हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त साहिल स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज आ रही है टेक न्यूज़ नंबर 149। तो शुरू करते हैं देश दुनिया की गर्मा गर्म टेक न्यूज़। कल मेरा पोल रह गया तो सॉरी फॉर डैट, आज ज़रूर डालूंगा। तो भाई कल हमारे लाइक नियर अबाउट 5000 हुए हैं, 1000 कम है। तो भाई आप वीडियो देखते हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, मेहनत बहुत होती है इन वीडियोज़ में। तो शुरू करते हैं देश दुनिया की टेक न्यूज़। तो पहली न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है हमारे वीवो की, वीवो स्मार्ट वॉच। जी हाँ, वीवो ने एक पेटेंट फाइल किया है स्मार्ट वॉच का, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। राउंड सर्कल ये स्मार्ट वॉच है। द टेक गाय ट्विटर पर एक अकाउंट है, उसने ये पोस्ट की थी। मुझे देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। तो भाई स्मार्ट वॉचेस बहुत कंपनीज ला रही हैं, देखते हैं इंडिया में आती है या नहीं आती। तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है शाओमी की तरफ से Mi Air 2S। जी हाँ, जो TWS हैं जो रिसेंटली अभी चाइना में लॉन्च हुए, वो आ सकते हैं इंडिया में। आज मनु कुमार जैन ने ट्वीट किया कि वायरलेस फ्रीडम चाहिए और हम ला रहे हैं। तो एक टीज़र आ गया है, तो मतलब ये लॉन्च करेंगे। कॉस्ट मेरे हिसाब से 4000 के पास होगी। रियलमी को भी तो टक्कर देनी है, बहुत देर ऐश कर ली रियलमी ने, शाओमी आ रहा है। तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो शाओमी की आ रही है, ये चाइना की न्यूज़ है। जो मीजिया ने एक डबल डोर फ्रिज लॉन्च किया है चाइना में, नियर अबाउट 2100 युआन, जो बनता है 23000 के पास, 22500 के पास, जो बहुत ही बढ़िया प्राइस है। 483 लीटर का ये फ्रिज है, सिर्फ 23500। भाई इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी कब आएगी कि इस प्राइस पे हमें इंडिया में भी प्रोडक्ट्स मिलें, और शाओमी ले आए तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मुझे रियली काफ़ी अच्छा लगता है ये न्यूज़ सुनकर कि शाओमी बहुत बढ़िया अग्रेसिव प्राइस पे बहुत अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च करता है जो हमें इंडिया में नहीं मिलते। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है हमारे सोनी प्लेस्टेशन 5 की। कह रहे हैं सोनी प्लेस्टेशन 4 जून को लॉन्च हो जाएगा। तो पहले कह रहे थे कि दिसंबर के पास आएगा, सडनली आज न्यूज़ आ रही है कि भाई ये आ जाएगा जून में। तो बहुत जल्दी आ रहा है, मेरा बहुत मन था, मगर ये वायरस करके थोड़ा बजट टाइट है, तो शायद मैं ना ले पाऊँ, देखते हैं। बाकी अगर मौका अच्छा हुआ तो मैं ज़रूर लेके आपको इसकी अनबॉक्सिंग ज़रूर दिखाऊंगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो हमारे पोको, जी हाँ पोको टोको मोको सब कुछ ठोको, सॉरी जोक बैड जोक। तो बात करते हैं पोको की। पोको मैंने कल भाई रात को मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था, पिक्चर आ गई गियर बेस्ट, काफ़ी बड़ी वेबसाइट है इंटरनेशनल शॉपिंग के लिए, जो उसमें आ गया है पोको F2 Redmi K30 Pro का रीब्रांडेड वर्जन है। उसके लुक्स, उसका स्टाइल, उसकी बैटरी सब कुछ सेम है, मगर ये ऑफिशियली अभी तक नहीं आया। आज भी पोको ग्लोबल ने बस एक चिट्ठी लिख दी कि भाई हम ला रहे हैं, जी ला रहे हैं, पोको इज़ वेकिंग। ये पता नहीं कब पोको टोको उठेगा, जब भी उठेगा हमें पता चल जाएगा। वैसे ग्लोबल लॉन्च है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। इंडिया में पोको कुछ और आएगा, ग्लोबली ला भी दें रीब्रांडेड तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया में Redmi K30 Pro बन के आएगा, तो पोको F2 कुछ नई चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो हुआवे की आ रही है। हुआवे का एक न्यू पेटेंट सामने आया है, जिसमें आपको एक फ़ोन साथ में उसका QWERTY कीबोर्ड भी दिख रहा है। ये फ़ोन काफ़ी सिमिलर है LG G8X या V50 की तरह, वैसे LG फ़ोन लगते थे। तो देखते हैं, पेटेंट फाइल हुआ है, ये फ़ोन आता है या नहीं आता। आज का पोल भी इसी बेस पर रखते हैं। क्या आपको लगता है जो QWERTY कीबोर्ड वाले फ़ोन जो पहले आते थे, जैसे हमारा मोस्टली ब्लैकबेरी के फ़ोन, वो ज़्यादा बढ़िया होते थे या टच स्क्रीन ज़्यादा बढ़िया होता था? जो भी आपको अच्छा लगता है मुझे पोल में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है हुआमी का एक मास्क आ रहा है N95, जो काफ़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। कह रहे हैं इसमें आपको मिलेगा कि इसको लगा के भी अपना फ़ोन का फेस अनलॉक से अपना फेस खोल सकते हो। तो भाई COVID-19 से बहुत लोग मास्क फील्ड में जा रहे हैं और फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होंगे। जैसे वायरस आ गया, अब तो मास्क कंपलसरी हो जाएगा जब इसका इफेक्ट भी दूर हो जाएगा। देखते हैं इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज लाती है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो Realme X3 सुपर जूम पाकिस्तान में भी आ रही है। जी हाँ, आज उसका एक सर्टिफाइड आया है लाहौर पाकिस्तान। तो मतलब रियलमी भाई इस बार पाकिस्तान में भी जा रहा है अपना ये फ़ोन लेके, तो भाई काफ़ी कमाल का होगा Realme X3 सुपर जूम, क्योंकि पाकिस्तान में भी आ रहा है, इंडिया में तो बनता है आना भाई, Top 3 कंपनी में आती है रियलमी। तो देखते हैं कब तक ये आता है। पाकिस्तान से इन्फिनिक्स Note 7 और Note 7 Lite पाकिस्तान में लॉन्च हो गया। वहाँ की प्राइस के हिसाब से नहीं, वो 28,999 PKR जो है उसके हिसाब से इंडिया में बनते हैं 14,000 का ये फ़ोन लॉन्च किया है। 6.95 इंच का फ़ोन है, Helio G70 प्रोसेसर मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और 18 वॉट का चार्जर।
तो ठीक है। और जो नोट 7 लाइट है वो 12,000 का लॉन्च किया गया है, तो देखते हैं इंडिया में कब तक लाते हैं। पहले कहते हैं इन्फिनिक्स हॉट 9 आएगा, उसके बाद नोट 7 और 7 लाइट आएगा। उम्मीद है अच्छे प्राइस में लॉन्च हो। हीलियो G70 14,000 में मेरे हिसाब से ज़्यादा है, 10,000 तक ये ठीक है। बाकी देखते हैं इन्फिनिक्स क्या करता है इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही हमारे आईफोन की। जी हाँ, आईफोन 12 में कुछ चेंजेस होंगे, जैसा कि इसकी बैटरी कह रहे हैं 4,750 mAh की हो सकती है। मोस्टली एप्पल की बैटरी 2,000 mAh या 3,000 mAh तक जाती है, तो 4,700 mAh रियली इम्प्रेसिव, मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया है। साथ में कह रहे हैं फाइनली आईफोन अपना 12 मेगापिक्सल का कैमरा छोड़ेगा और 28 मेगापिक्सल का कैमरा ला सकता है आईफोन 12 में। तो एक्साइटमेंट लग रही है क्योंकि इनका 12 मेगापिक्सल का कैमरा 64 मेगापिक्सल के कैमरे को टक्कर दे देता है, तो 28 मेगापिक्सल का कैमरा तो भाई बहुत ही शानदार होगा। देखते हैं सितंबर या अक्टूबर तक हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ भी आईफोन की आ रही है, आईफोन SE थर्ड जनरेशन। जी हाँ, रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है लास्ट मंथ आईफोन SE 2020 जो सेकंड जनरेशन है। इसके बाद कह रहे हैं थर्ड जनरेशन भी लाएंगे जिसमें लुक वैसी ही होगी, बस चिपसेट उसका चेंज कर देंगे, शायद A14 जो रिसेंटली आईफोन 12 में आएगा वो वाला डाल सकते हैं। बाकी देखते हैं, आईफोन है भाई कुछ भी कर ले और लोग तो ले ही लेंगे। कल मैंने बताया है 1,80,000 चाइना में ही बिक गए, वाओ। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है हमारी लेनोवो लेजेंड गेमिंग। जी हाँ, इसकी आज पिक्चर सामने आई है, बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही कूल फ़ोन लग रहा है। इसका पॉपअप कैमरा साइड से ओपन होगा जो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, और 90 वॉट का फास्ट चार्जर मिल रहा है इसमें। आपको कह रहे हैं 30 मिनट में ये 5,000 mAh की बैटरी को 100% चार्ज कर देगा। हमारा Realme X2 Pro 28 मिनट में 4,000 mAh की बैटरी चार्ज करता है, जो 30 मिनट में 5,000 mAh की बैटरी, तो काफ़ी एग्रेसिव फ़ोन लग रहा है। चांसेस हैं मई में ये शायद लॉन्च हो जाए और 4,000 युआन नियर अबाउट 41,000 to 42,000 ये हो सकता है। देखते हैं किस प्राइस पे ये लॉन्च होता है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो ये न्यूज़ नहीं है, ये मेरा है OnePlus 8 Pro। जी हाँ, आपने सुना होगा OnePlus 8 Pro में स्क्रीन प्रॉब्लम, तो फाइनली मैं अपना OnePlus 8 Pro रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। तो मैंने कंकन को कह दिया है कि वो रिटर्न करे, तो सोच रहा हूँ एक रिटर्न से पहले इसका 20 डेज रिव्यू बना दूँ कि क्या कैसा है ये फ़ोन, वर्थ है या नहीं, क्योंकि इंडिया में आने वाला है, बहुत लोग ये लेने वाले हैं। तो भाई आप मेरा ओपिनियन ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो जल्दी इसकी एक वीडियो लाऊंगा और मैं रिटर्न कर रहा हूँ। बढ़िया है, 20 दिन बाद मुझे सारे पैसे मेरे वापस मिल जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो हमारी आ रही है Exynos 1000। जी हाँ, Exynos 1000 कह रहे हैं इस साल के लास्ट में आएगा, और कह रहे हैं वो स्नैपड्रैगन 865 से 3 times ज़्यादा फास्ट होगा। तो वैसे थियोरेटिकली तो भाई मैं कहता हूँ MediaTek के प्रोसेसर भी हमारे स्नैपड्रैगन से ज़्यादा तेज़ निकल जाते हैं, मगर जब प्रैक्टिकली बात आती है तो स्नैपड्रैगन इज़ अ स्नैपड्रैगन, बाप बाप ही होता है, बच्चे कुछ भी कर लें। तो नेक्स्ट न्यूज़ और लास्ट न्यूज़ की बात की जाए तो आ रही है Xiaomi की। Xiaomi का एक न्यू फ़ोन सामने आया है जिसका नाम है Otix फोन प्रो। देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, लाइक ब्रिजल लेस है, ब्रिजल्स बहुत छोटे हैं, कोई नॉच नहीं दिख रही, कोई पंच होल नहीं दिख रहा। तो मे बी पॉपअप कैमरा हो, मे बी अंडर डिस्प्ले कैमरा हो सकता है। स्नैपड्रैगन 865 के साथ आएगा, 2K स्क्रीन रेजोल्यूशन मिलेगा एमोलेड पैनल के साथ, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। क्वाड कैमरा दिख रहा है हमें इसके पिक्चर में, और कह रहे हैं 90Hz का रिफ्रेश रेट होगा। साथ में कह रहे हैं इसकी कॉस्ट मोर देन मी 10 प्रो हो सकती है, मतलब 5,000 युआन का मी 10 प्रो आया था, ये उससे महंगा हो सकता है। साथ में कह रहे हैं इसमें मिलेगा 18GB की रैम, वाओ 18GB रैम बहुत ही ज़्यादा होती है मेरे हिसाब से, 8GB इज़ इनफ। लोग 12GB भी ले लेते हैं, 16GB तक भी आ गई है, तो 18GB तो बहुत ही ज़्यादा है। तो देखते हैं ये फ़ोन आता है या फिर जस्ट एक र्यूमर और फेक न्यूज़ बन के रह जाता है। देखने मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, देखते हैं ये आता है या नहीं आता। तो भाई तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही, बढ़िया लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम, ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको वहाँ बात कर सकता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।